हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर उत्तराखंड में यूके पीएससी का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड पेडागॉजी इंग्लिश इन यूज, ये आप लोगों का पहला फर्स्ट चैप्टर है। उसमें आप लोगों को जो स्टडी करना है वो करना आप लोगों को लैंग्वेज फीचर्स ऑफ लैंग्वेज मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट इडियोलेक्ट डायलेक्ट एंड लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्टिव डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट आप लोगों को लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, फीचर्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट आर्बिट्रेरीनेस नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम बात करेंगे तो इसमें जो ये वाला आपका चैप्टर है उसमें आप लोगों का लिंग्विस्टिक आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों को लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ये वाला चैप्टर क्लियर करना मुश्किल होगा, है ना। तो लिंग्विस्टिक्स के लिए आप लोगों को थोड़ा सा डीप में पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूअलिटी इन स्ट्रक्चर साउंड एंड मीनिंग, ये सारे क्वालिटीज हैं लैंग्वेज की, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे लेटर वीडियोस में, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और एक टॉपिक के अंदर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है इनको, नहीं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो आप लोगों का लेवल है इस पेपर का। सोशल फिनोमिना वोवल सिम्बोलिज्म ह्यूमैनिटी एंटिटी ह्यूमन एंटिटी क्रिएटिव कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफिएबल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स, तो इन्हीं से आप लोगों के क्या बन जाते हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं, इन्हीं से आप लोगों के क्वेश्चंस बन के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्या होता है LSRW, आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ा होगा जो लैंग्वेज के स्टूडेंट है उन्होंने, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमें इस फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है जबकि जो राइट पैटर्न है वो LSRW है। बच्चे को पहले लिसनिंग फिर उसके बाद स्पीकिंग फिर रीडिंग और फिर राइटिंग सिखाया जाना चाहिए। बट आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो लर्निंग हमारा खुद का लर्निंग पैटर्न जो होता है हमें सबसे पहले राइटिंग सिखाया जाता है फिर रीडिंग फिर स्पीकिंग फिर लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग पे तो कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन लिसनिंग अपना सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है लैंग्वेज का। तो फोर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं लैंग्वेज के वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इडियलेक्ट हमें पता होना चाहिए क्या है, डायलेक्ट क्या है, लैंग्वेज पिडगेन डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक एंड लैंग एंड पैरोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स के टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेसन्स के बारे में। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की टॉपिक्स। ओरिजिन एंड डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसमें आपकी बाबाओ थ्योरी पोपो थ्योरी डिंग डोंग थ्योरी यो ही हो थ्योरी होती है टाटा थ्योरी है लाला थ्योरी है जेस्चर रूरल थ्योरी है द म्यूजिक थ्योरी एंड द कॉन्टेक्स्ट थ्योरी, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोचेज, इसमें आप लोगों का CLT आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द स्ट्रक्चरल अप्रोच द ओरल अप्रोच और सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद आप लोगों का मैथड्स ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करेंगे ओके वीडियोज़ में, डायरेक्ट मैथड ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑडियो लिंगुअल मैथड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसे TPR भी बोला जाता है शॉर्ट में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT द साइलेंट वे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग इमर्सन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग द नेचुरल अप्रोच द लेक्सिकल सिलेबस, ये इतना आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैथड्स में है, ठीक है। तो मैथड्स में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है आप लोगों का लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें बैबलिंग स्टेज लर्निंग द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज होलोफ्रेस्टिक स्टेज आती है लर्निंग द सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर सिमेंटिक्स होता है सिमेंटिक्स आता है आप लोगों का मीनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चीज़ें हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं। द टू वर्ल्ड स्टेज लर्निंग द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, उसके बाद आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं जब ये वाला आप लोगों का टॉपिक होता है बिहेवियरिज्म मेंटलिज्म एंड बिहेवियरल एम्पेरिकल अप्रोच। इसके बाद है आप लोगों का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन,
रिसेप्टिव लैंग्वेज बिफोर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन, न्यूट्रल नेटवर्क, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसके बाद है आप लोगों का पैडागॉजी, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉलो द नेचर वे एंड प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हैबिट। इसके बाद हम थोड़ा सा ये नोट्स हैं आप लोगों के, इन नोट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये मीन शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैंने लास्ट में ऐड कर लिए थे कि आप थोड़ा बहुत भी अगर ना भी समझ में आया पूरा चैप्टर किसी को लिंग्विस्टिक्स, इतना हम जो डिटेल में सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये ऊपर से नीचे तक, अगर ये सारे टॉपिक्स ना भी आए ये प्रैक्टिस आप शॉर्ट नोट्स भी कर लें तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे ग्रामर डायरेक्ट मैथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मैथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड स्ट्रेस्ड ऑन एक्यूरेसी, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज यूज टू टीच क्लासिकल लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मैथड टू डिवेलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। जो हमारा डायरेक्ट मैथड होता है और लैंग्वेज में हमारा जो डायरेक्ट मैथड होता है सबसे इफेक्टिव मैथड होता है अगर हमें प्रॉपर तरीके से टीच करना आता है तो। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज यूज टू एनहांस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहते हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड उसके लिए अच्छा है। ट्रेडिशनल जो मैथड है goes against the pedagogic principles, the individual or correlative method is known as inductive method, right? इसे हम inductive method भी कहा जाता है। journey from example to generalization इसे inductive method कहा जाता है। पहले अगर हम क्या कर रहे हैं example दे रहे हैं उसके बाद हम generalization कर रहे हैं उसे inductive method कहते हैं। generalization से हम rule to example अगर चलते हैं rule to example तो उसे हम deductive कहते हैं, ठीक है। inductive method में क्या होता है, known to unknown, simple to complex। डिडक्टिव मैथड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसे डिडक्टिव मैथड कहा जाता है। थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये आप लोगों का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का यही था कि सर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं क्लासेस में तो उनका यही क्वेश्चन है कि सर हमें इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमने जो है लिंग्विस्टिक्स पढ़ा नहीं है तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो हमें नहीं पता, या लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है तो हमें क्या पढ़ना है, यही आप लोगों का क्वेश्चन था। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल्स प्रेपरेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज दैट ग्रेडिंग ऑफ द मटेरियल कैन बी चूजन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू लैंग्वेज, हमें उसे लैंग्वेज का एक्सपोजर देना होता है, ठीक है। When a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to test comprehension. The structure he goes to school is often produced by the learners due to overgeneralization of rules. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं language acquisition occurs when the child has exposure to the language. तो आप लोगों को एक fun fact मैं बताता हूँ कि शाम को मैं कुछ classes चलाता हूँ, ठीक है, तो वो फ्री क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए, तो कुछ बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे हैं सारे, तो उसमें एक बच्ची ऐसी है जिसे अभी ABC भी नहीं आती है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ट्रायल किया, उसको डायरेक्ट मैंने स्पोकन में डाल दिया, मतलब उसे वो बच्ची जो है वो भी शायद फर्स्ट में है, तो बैकग्राउंड उसका काफ़ी लो है, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ बंगाली बोलती है, ठीक है, उसकी हिंदी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने उसे कहा कि बेटा तुम क्या करो कि सिर्फ सुनो और जाके क्या कर लो, बस जैसा बोला जाए, जैसे हाउ डू यू डू, तो तुम्हें भी हाउ डू यू डू रिपीटिशन करना। तो मैंने देखा कि 5 से 6 दिन बाद उस बच्ची के अंदर में अंडरस्टैंडिंग भी डिवेलप हो गई है, उसने समझनी शुरू कर दिया कि चीज़ें एक्चुअल में क्या हो रही हैं, लोग आंसर क्या कर रहे हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, इसका मतलब मैंने उसे पूछा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो सारे लोग अपना नाम बोल रहे थे, तो जैसा उसने सुना कि सभी इस सेंटेंस के बाद सारे लोग अपना नाम बोल रहे हैं, तो उसके माइंड में ये बात आ गई कि शायद नाम पूछा जा रहा है, तो जब मैंने उसे कहा कि व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या होगा, तो उसने कहा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, कुछ बंगाली में उसने कहा, तो मतलब थोड़ी बहुत बंगाली समझ में आने लगी है मुझे, तुम्हें नाम की करके, तो उसने बताया मुझे कि ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग ही है कि अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन किसी को करवाना चाहते हैं तो एक्सपोजर तो देना चाहिए उसको, और कभी कभी एज अ टीचर, मतलब आज तक मैं भी यही सोचता था कि जिस बच्चे को ABC नहीं आती होगी उसे कैसे लैंग्वेज सिखाया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट भी कैसे सिखाया जा सकता है, लेकिन
ऐसा एक्चुअल में होता है और एक्चुअल में हो रहा है एंड शी इज़ लर्निंग। तो कभी कभी हम लोगों को एक्सपीरियंस के साथ में कुछ चीज़ें पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 जो है ये सिर्फ आपके नोट्स हैं और आप लोग जस्ट देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में बाद में इनको आपको डिटेल में कर लूंगा, ठीक है। ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स ड्यू टू ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स फॉर टीचिंग ग्रामर। द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज पेडागॉजिक ग्रामर। तो पेडागॉजिक ग्रामर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स। हमें रिसेप्टिव स्किल्स जो मतलब इन चीज़ों को समझिए कि ये जो आप लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड्स तो ये कीवर्ड्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जिससे कि आपको एक जो सब्जेक्ट मैटर हो समझ में आ जाए। क्योंकि मैटर तो आपको सभी सारी जगह से मिल जाएगा और अगर आपके पास मैटर इकट्ठा हो जाता है तो कीवर्ड्स को समझिए। कीवर्ड्स को समझने के बाद आप लोग वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ्स इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ राइटिंग पर्सनल लेटर। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो एक टेक्निक होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ओके, टू कलेक्ट ऑल आइडियाज ऑन अ टॉपिक। इंटरेक्टिव लिसनिंग इज लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रीडिंग स्किल्स कैन बी डिवेलप्ड बेस्ट बाय फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी टीचिंग कर रहे हैं स्पोकन की या किसी लैंग्वेज की और हमें वो लैंग्वेज पढ़ानी है, जैसे कि मोस्ट ऑफ केसेस में इंग्लिश है, तो हमारे जो इनपुट होने चाहिए वो किस में होने चाहिए? टारगेट लैंग्वेज में होने चाहिए जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा कि जो पहला आप लोगों का टॉपिक है सिलेबस में वो क्या है, ठीक है। उसको आप लोग देखेंगे और ऑलरेडी मैं सिलेबस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं कोर्स में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7409287156 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिए तो डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।